दोस्तों, हमारा एनआरबी और वाल का काम चालू हो गया है। और एनआरबी में खास करके एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो तीर का निशान है दोस्त, उसको नीचे रखना, क्योंकि प्रेशर पंप हमारा यहाँ पर आने वाला है। टाकी का फ्लो नॉर्मल पानी, अगर प्रेशर पंप बंद हो जाए ना तो नॉर्मल पानी आ सके यहाँ से, और ये प्रेशर चालू हो तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। और उसके ऊपर वाल रखना, क्योंकि एनआरबी कभी ख़राब हो जाए तो वाल का बंद कर देने का, फिर प्रेशर पंप का पानी इनको मिलता रहेगा, और इस हिसाब से काम का। और वाल में हैंडल वाल ही यूज करना, पीएसी पीवीसी वाला साल दो साल में लीकेज हो जाता है, इसके लिए हम हैंडल वाल यूज करते हैं, और बेटर भी रहता है, कभी भी ख़राब जल्दी नहीं होता है। और हमारा लाइन यहाँ से ऊपर जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ किस हिसाब से ये लाइन हमारी दोनों प्रेशर की लाइन, इसकी एनआरबी वाल ऊपर आएगा और इसका यहाँ पर आ गया, ये बाथरूम आ गया, इसका ख़त्म हो गया, उसके हिसाब से काम कर रहा है।